हाय, मैं सचिन कुमार और स्वागत करता हूँ अपने चैनल सचिन टेक्नोलॉजी में। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि सीएनसी का मोड क्या होता है, उसके ऑपरेशनल कीज क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे बनाते हैं, चाहे वो थ्रेडिंग का हो, मिलिंग का हो, जिसका भी हो, हम लोगों ने सारा प्रोग्राम कवर कर लिया है। आज हम लोग सीखेंगे कि पर्सन रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप जब भी इंडस्ट्रीज में जाओगे, जो भी हमारे भाई लोग फ्रेशर हैं उसे एक्सेल पे बनाने के लिए बोला जाता है बहुत बार कि आप पर्सन रिपोर्ट बना लो, तो आपको कठिनाई ना हो, इसलिए हमने सोचा कि प्रोग्रामिंग कवर होने के बाद एक पर्सन रिपोर्ट का एक्सेल पे हम लोग कैसे शीट बनाते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और जो भाई अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसे पता होगा कि हम लोग ऐसे रिपोर्ट जनरेट करते हैं, एक्सेल पे हम लोग इस तरह का रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पर्सन रिपोर्ट बनाना सीख लेते हैं। ये हमारा आज लास्ट वीडियो है सीएनसी टर्निंग के ऊपर। जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करने जाएंगे वो हमारा क्या होगा, क्वालिटी से रिलेटेड। तो आप लोग, क्योंकि जो पर्सन का हमारे पास इंजीनियर होता है ना, उसे क्वालिटी का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 100% काम करके जब भी आप कोई पार्ट बनाते हैं तो आपको क्वालिटी का भी काम करना होता है वहाँ पे। उसके बाद ही जो क्वालिटी इंजीनियर होता है वो चेक करता है कि हमारा जो डायमेंशन मांगा गया था कंपोनेंट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये कंपोनेंट बना के दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि जो पर्सन इंजीनियर होता है उनका काम होता है सेटिंग करना और बिल्कुल ही ओके पार्ट को टॉलरेंस के अंदर बना के हैंड ओवर करना क्वालिटी इंजीनियर को। ठीक है, तो आप अभी अगर प्रोडक्शन में हैं तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको क्वालिटी के बारे में पता हो कि हम लोग पैरेललिज्म कैसे चेक करते हैं, क्योंकि जो जो डायमेंशन मांगा गया है, फ्लैटनेस कैसे चेक करते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बारे में पर्सन वाले को पता होना चाहिए। तो हम लोग उसके बारे में टॉपिक के वीडियो बनाएंगे, बट हमारा सीएनसी का ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम जो भी अपलोड करेंगे वो क्वालिटी से रिलेटेड होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पर्सन और क्वालिटी सीखने के बाद कहीं भी एलिजिबल हो जाते हैं। 40 से 50 रुपये का जो भी जॉब हमारे प्राइवेट कंपनियों में ओपनिंग होता है तो आपको ईजिली कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए और हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और जब भी आपसे कोई क्वेरी किया जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू के दौरान, तो आप बहुत ही ईजिली उसे आंसर दे सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग कैसे पर्सन रिपोर्ट बनाते हैं इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने रिपोर्ट ऑलरेडी बना के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बट आपको पता चल पाए कि हम लोग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमने ये शीट बनाया है जो हम लोग भी अपने कंपनी में काम यूज़ में लाते हैं। ठीक है, आप देखिए ये क्या है, हमारा पर्सन रिपोर्ट है। इसके लिए आपको एक्सेल पे जाके, एक्सेल तो सारे बच्चों को आता होगा क्योंकि हम लोग 10th के बाद से ही एक्सेल पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह का रिपोर्ट आपको एक्सेल पे बनाने के लिए बोला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एक तो सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका कंपनी का जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, सपोज आप होंडा में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लोगो लगा दीजिएगा, क्योंकि अब जिस भी कंपनी में काम करेंगे तो आपको लोगो ऑलरेडी दिया रहेगा। ठीक है, सिस्टम में आप देख सकते हैं इस कॉर्नर पे हम क्या किए, एक लोगो लिख दिए। यहाँ पे हमें क्या करना, लिखना नहीं है, यहाँ पे उस कंपनी का लोगो लगाना है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम क्या बना रहे हैं, पर्सन रिपोर्ट। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि ये हमारा क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है या पर्सन रिपोर्ट है। अभी हम बात कर रहे हैं पर्सन रिपोर्ट का, जब क्वालिटी का टॉपिक सारा कवर हो जाएगा फिर हम वहाँ पे लास्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा पर्सन रिपोर्ट है, तो यहाँ हम लिख दिए हैं ये हमारा पर्सन रिपोर्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डेट और शिफ्ट, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी और जनरल शिफ्ट, चार शिफ्ट चलती है हर कंपनियों में। ठीक है, तो आपको अगर डाटा बनाना है ए शिफ्ट का तो यहाँ पे आप शिफ्ट में ए डालेंगे, और आपको डाटा बनाना है बी शिफ्ट का तो शिफ्ट में आप बी डालेंगे, और डाटा बनाना है सी का तो सी डालेंगे, और जनरल का बनाना है तो यहाँ पे जी डालेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और जस्ट इसके ऊपर में आपको यहाँ पे डेट डालना होगा। हमने यहाँ पे 23 आज का डेट डाला है, बट आप यहाँ पे डेट डाल के यहाँ स्पेस छोड़ दीजिएगा ताकि जो भी इंजीनियर उसको यूज़ करेगा वहाँ पे अपना वो डेट अपने अकॉर्डिंग डाल देगा। क्लियर है? ये तो हमारा हो गया फर्स्ट लाइन की बात। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये जाननी है कि हमें पॉइंट कौन कौन से लेने हैं, अगर हमें पर्सन रिपोर्ट बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सा पॉइंट हमें यूज़ में लाना है इस रिपोर्ट के अंदर। ज़्यादा हम चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं, बट हमें वही डालना चाहिए जो हम लोग 100% यूज़ में लाते हैं रिपोर्ट बनाते समय। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पहला क्या है, ऑपरेटर का नेम। जो भी ऑपरेटर पर्सन बना रहा है उसका हमें यहाँ पे सबसे पहले नाम डालना होगा। हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या नाम ले लिया, राजू। मान लीजिए कोई एक राजू नाम का ऑपरेटर है, वो एक मशीन चला रहा है, उसका हम यहाँ पे नाम डाल देंगे। पहला हेडिंग क्या आएगा, ऑपरेटर का नाम। उसके बाद जो मशीन वो ऑपरेटर चला रहा है,
मान लीजिए हम लोग मशीन का नाम रख दिए 10, 8, 9 मशीन नंबर, तो हम यहाँ पे मशीन नंबर डालेंगे। हमने यहाँ पे 10 डाल के रखा है, तो हमने लिया है 10 नंबर मशीन। ठीक है, राजू जो है वो 10 नंबर मशीन चला रहे हैं, क्लियर है। फिर हम लोग क्या डालेंगे वहाँ पे, मशीन का नाम। वो मशीन CNC भी हो सकता है, BMC हो सकता है, HMC हो सकता है, SPM हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो बंदा कौन सा मशीन ऑपरेट कर रहा है। हमने यहाँ पे CNC BMC डाला है क्योंकि इंडस्ट्रीज में ये मशीनें 100% यूज़ में आती है, ठीक है, कोई भी पार्ट बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे CNC BMC HMC SPM जो भी मशीन है वो यूज़ चला रहा है उसका यहाँ पे हम लोग नाम डाल देंगे, क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, ड्राइंग नंबर डाल देंगे। हमने यहाँ पे P140 लिया है, हो सकता है कि उस पार्ट का ड्राइंग नंबर आपका P170 हो सकता है आपके पार्ट का नाम P160 हो, तो जो भी वहाँ पे ड्राइंग नंबर दिया होगा उस प्रोग्राम का वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। ड्राइंग नंबर डालने के बाद आपको ऑपरेशन डालना है। जो बंदा मशीन चला रहा है हमें पता है, हम उसको बोल दिए कि आप जाके टर्निंग चलाओ, लेकिन जो नया बंदा आएगा कोच, जो नया शिफ्ट में आएगा उसे तो पता होना चाहिए ना कि वो कौन सी मशीन चला रहा है। तो यहाँ पे हम जो ऑपरेशन हो रहा है वो यहाँ डालेंगे। यहाँ पे हम लोग टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो टर्निंग डालेंगे। सपोज यहाँ पे मिलिंग का ऑपरेशन हो रहा है तो हम लोग मिलिंग डालेंगे। जो भी ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ पे वो ऑपरेशन हम लोग डाल देंगे, क्लियर है। ऑपरेशन के बाद हम लोग साइकिल टाइम डालेंगे। ये मोस्ट अर्जेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकिल टाइम के ही अकॉर्डिंग हम लोग वो कितना पोर्शन बना के देने वाला है हमें, उसमें कितना हमें आइडियल टाइम डालना है, लोडिंग अनलोडिंग कितना देना है, वो सारा चीज़ डिपेंड करता है हमारे साइकिल टाइम पे, कि जो साइकिल टाइम हमारा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितना पार्ट हमारा एक शिफ्ट में बनना चाहिए। तो ये तो हमें 100% डालने होंगे, ठीक है। साइकिल टाइम यहाँ पे सपोज 60 सेकेंड आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 60 सेकेंड क्या ले लिया है, साइकिल टाइम ले लिया है, ठीक है। साइकिल टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डालेंगे। ये हमारा शिफ्ट ए है, तो हमने स्टार्ट टाइम ले लिया है 6 बजे का, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे 6 AM से लेके 2 PM तक 8 घंटे का शिफ्ट होता है। तो हमने यहाँ पे रिपोर्ट में क्या देखे रखा है, शिफ्ट ए है, तो ए में हमारा क्या है 6 AM से लेके 2 PM तक हमारा शिफ्ट है। और जो शिफ्ट हमारा चलता है वो 6 से 2 चलता है ए शिफ्ट, फिर 2 से रात के 10 बजे चलता है बी शिफ्ट, और जो 10 से सुबह के मॉर्निंग में 6 AM तक है वो सी शिफ्ट होता है, और एक जनरल शिफ्ट चलता है जो हमारा 9 से 5:30 का होता है। तो आप जो भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा रिपोर्ट में डालेंगे कि हम पोर्शन रिपोर्ट ए शिफ्ट का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 6 से 2 डालिएगा, और बी का बना रहे हैं तो 2 से 10 डालिएगा, और सी का बना रहे हैं तो सी का 10 PM से लेके 6 AM तक डालिएगा, और जनरल का बना रहे हैं तो 9 AM से लेके 5:30 PM तक डालिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया साइकिल स्टार्ट टाइम और ये हो गया एंड टाइम, क्लियर है। और जो हमारा रन टाइम होता है वो 7 घंटे का होता है, वो बताता हूँ कैसे। जो हमारा एक शिफ्ट है वो 6 से 2 कितने घंटे हो गए, 8 घंटे, लेकिन इसमें हमने 7 घंटे ही लिया रन टाइम, क्योंकि 8 घंटे में जो हमारा एसोसिएट है, जो ऑपरेटर है, वो आधे घंटे का लंच करता है और 2 टाइम 15 मिनट का और 15 मिनट का वो टी ब्रेक लेता है। तो 2 टाइम टी ब्रेक 15 मिनट आधा घंटा हो गया, और लंच का आधा घंटा, 1 घंटा यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो हमारा जो एक्चुअल मशीन रन टाइम होता है वो 7 आवर्स का लेते हैं हम लोग। ये हमारा घंटे में है 7 आवर्स, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, लॉस्ट टाइम लेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने लॉस्ट टाइम के लिए ये फॉर्मेट दे रखा है, जैसे ABCDEF है, क्लियर है। ए हमने मान के चला है कि ये हमारा ब्रेक डाउन है। जो बी है हमारा वो पावर ब्लॉक प्रॉब्लम है, जो हमारा पावर कट हो जाता है, पावर नहीं आ रहा है मशीनों को रन करने के लिए, वो हमारा बी में आ जाता है। सी में क्या होगा, ऑपरेटर हमारा कोई एब्सेंट है, कोई ऑपरेटर आया ही नहीं है, वो लीव पे है, वो लॉस हम लोग सी में नो ऑपरेटर डालेंगे। और डी में क्या है हमारा, नो मटेरियल। कभी क्या होता है हम लोग थर्ड पार्टी से मटेरियल लेते हैं, वहाँ से मटेरियल मिला ही नहीं हमें चलाने के लिए, तो मटेरियल हमें हमारे पास रहेगा तभी तो हम उसका फिनिश ग्रुप बनाएंगे। तो हमने क्या किया, डी क्या हमारा, नो मटेरियल, मटेरियल हमारा अवेलेबल नहीं है, एबिलिटी हमारा कम है, तो वहाँ पे हम लोग डी का लॉस डालेंगे। ई में हमारा टूलिंग का प्रॉब्लम, मशीन को जब भी रन करेंगे तो क्या होता है, रनिंग के दौरान हमारा टूल ब्रेकेज हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, टूल वियर हो जाता है, टूल का लाइफ खत्म हो जाता है, वो लॉस होगा, तो हम लोग ई में डालेंगे। और एफ क्या हमारा, न्यू ऑपरेटर, जो ऑपरेटर नया है, मान लीजिए कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई एक कल से काम पे आया हुआ है, तो दोनों की एफिशिएंसी में बहुत अंतर होता है। जो 10 साल से काम कर रहा है वो बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा, जो न्यू ऑपरेटर है वो थोड़ा डर के काम करेगा, वो उतने एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाएगा, जो वो लॉस होंगे हमारा वो न्यू ऑपरेटर में जाएगा मैन पावर में, ठीक है। तो लॉस टाइम में हमारा यहाँ पे हमने बी लिया है। बी क्या हमारा, पावर प्रॉब्लम है हमारा 40 मिनट, ये हमारा क्या है, मिनट में है, 40 मिनट हमारा पावर नहीं रहा,
तो उसके लिए हमने क्या किया, बी डाल दिया शॉर्ट में, ताकि उसमें हमारा फॉर्मेट में स्पेस उतना नहीं होता कि हम ज़्यादा भर सकें। तो यहाँ पे ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पावर कट प्रॉब्लम, या जो भी प्रॉब्लम आप वो लिख सकते हैं, या शॉर्ट में आप यहाँ पे उसी फॉर्मेट के नीचे ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसके आगे भी आप बढ़ सकते हैं, जो भी लॉसेस हो रहे हैं वो आप यहाँ पे उसी पेज के नीचे डाल सकते हैं। ए में हमारा ब्रेक डाउन है, बी में हमारा पावर प्रॉब्लम है, सी में हमारा नो ऑपरेटर है, डी में नो मटेरियल है, ई में टूल का प्रॉब्लम है, और एफ में हमारा एसोसिएट या ऑपरेटर न्यू है। क्लियर, वो हमारे सारे के सारे किस में आएंगे, लॉस टाइम में आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, टारगेट लेंगे, जैसे हमने 60 सेकेंड का टारगेट हमारा साइकिल टाइम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो 7 घंटे का टारगेट है वो 420 है, मतलब एक शिफ्ट में हमारा 420 पार्ट बन के आने चाहिए। जो ऑपरेटर हमारा बना रहा है उसमें 420 अगर नहीं बन रहा है तो आपको लॉस टाइम यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसमें हमारा 450 होना था, 40 मिनट का लॉस है तो हमारा यहाँ पे कम बना है। क्लियर है। और यहाँ पे हमारा लॉस 0 होता तो यहाँ पे हमारा टोटल 550 या 600 जो भी हम लोग लोडिंग अनलोडिंग देंगे 60 सेकंड के साथ, और जो हमारा एक्चुअल साइकिल टाइम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हम बनाएंगे वो हमारा 7 घंटे में जो भी प्रोडक्शन होगा वो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन होगा, वो हमारा यहाँ पे आएगा टारगेट कि हमारा एक ऑपरेटर 8 घंटे में एक शिफ्ट में लंच टाइम और टी टाइम कम करने के बाद कितना 100% टारगेट वो बनाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या है, अचीव हमने कितना किया, हमने टारगेट दिया 420 का, 60 सेकंड के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट 420 आया, और ये देखिए जो हमने बताया आपको कि लॉस टाइम 40 मिनट का था, ये लॉस करने के बाद हमने अचीव कितना किया, 370 पार्ट, जो 40 मिनट का लॉस हुआ वो हमारा पार्ट कम बनाया। ठीक है। इसमें सपोज हमारा 1 घंटे का लॉस होता तो ये अचीव हमारा और कम होता टारगेट, और भी लॉस होता तो और भी अचीव कम हो जाता हमारा, और हमारा यहाँ पे लॉस टाइम बिल्कुल 0 होता तो हमारा टोटल 420 पार्ट जो भी हमारा 420 पार्ट का टारगेट है, जो भी टारगेट है व्हाटएवर, तो वो आपको अचीव हो जाता है। ठीक है। फिर क्या डालेंगे, इफिशियंसी की, हमारा जो एक मशीन का एफिशियंसी है वो कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मशीन का एफिशियंसी हमारा 88% आ रहा है, ये हमारा इस मशीन का एफिशियंसी है। एक हमारे पास तो बहुत सारी मशीनें होती है, 10 CNC टर्निंग होती है, 20 BMC होती है, SPM 30 होते हैं, इस तरह के मशीन का नंबर्स होता है, हमने ये एक मशीन का एफिशियंसी निकाला है। क्लियर है। और ये हमेशा 85 से प्लस होना चाहिए तो मशीन की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट सही चलती है। ठीक है। और यहाँ पे रिमार्क में हम लोग जैसे हमारे लॉस टाइम था वो किस कारण से लॉस टाइम, जो हमारा ये है बी पावर प्रॉब्लम, वो किस कारण से हुआ था वो आप रिमार्क में डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे प्रॉपर पर्सन रिपोर्ट शीट है, ये हम लोग भी बनाते हैं और हम लोग यूज में लाते हैं, तो आप अगर फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका सीनियर जब भी आपको बोले कि आप एक पर्सन रिपोर्ट हमें बना के दो तो आपको वहाँ पे एक्सेल पे सोचना नहीं पड़ेगा बैठ के, 1 घंटे टाइम वेस्ट नहीं होगा कि हम पहला में ऑपरेटर का नाम डालें, मशीन नंबर डालें, एफिशिएंसी डालें, रिमार्क डालें, क्या डालें, ये सारा आपका कन्फ्यूजन उम्मीद है कि दूर हो गया होगा। ठीक है। तो आप 10 मिनट के वीडियोज़ में पूरा सीख गए हैं कि हम पर्सन रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो आज हमने CNC का टॉपिक पूरा कवर कर लिया पर्सन से रिलेटेड। अब हम लोग क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे, क्वालिटी का बनाएंगे हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ेंगे पहले, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। हम आपको हर चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखलाएंगे कि हम लोग कोई भी डायमेंशन चेक करते हैं तो किस केस की हेल्प से करते हैं और उसको चेक करने का तरीका क्या है। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए इफेक्टिव वीडियो होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि उससे भी फ़ायदा हो सके, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी वीडियो बना के अपलोड करूँगा टेक्निकल फील्ड में तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कुछ अच्छा बेहतर सीख सकते हैं। तो चलिए, खुश रहिए और वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।